अनिला जी, सवाल ये कि सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर आपके साथ दिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद 2017 जैसा आंकड़ा नहीं दिखता, तो क्या कारण है जो आप सबसे ज्यादा चंक होने के बावजूद पिछला वाला रिकॉर्ड नहीं दोहरा पा रहे, और अंतर बहुत ज्यादा नहीं है आपका और समाजवादी पार्टी का? मेरी सबको राम राम। और गौरव जी, जो पिछला आंकड़ा जो आपने अभी बताया भी है, उससे ज्यादा मिलेगा। ज्यादा क्यों मिलेगा कि अगर मैं ओबीसी के विषय में यहाँ पर बात करती हूँ, जो यहाँ पर बड़े ओबीसी कास्ट है वो जाट है, गुज्जर है, उसके अलावा जो छोटे ओबीसी कास्ट यहाँ पे मौजूद है, सैनी है, प्रजापति है, धीमर है, जोगी है, ये जो जितने लोग अगर आप देखेंगे तो ये करीब 22-23% का इनका चंक बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी को वोट करते चले आए हैं, अब भी हमारे साथ रहेंगे। और जो मैंने जो बड़ी वाली जो मेजोरिटी वाली जो ओबीसी कास्ट है उनके विषय में भी मैंने आपको बताया, तो इस बार तो हमारा रिपोर्ट कार्ड हमारे साथ है दिखाने के लिए। तो इस बार तो ओबीसी जो है और ज्यादा। अनिला जी, आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने जो रणनीति अपनाई है उसने काम किया है, इस वजह से छिटका है आपसे कुछ? नहीं, देखिए, अगर मैं फर्स्ट प्लेस की बात करती हूँ तो उसमें इन्होंने ऑलमोस्ट जो है 29 सीटें जो है आरएलडी के नाम से, जिसमें आधे से ज्यादा जो इनके कैंडिडेट्स हैं वो सिंबल आरएलडी का है समाजवादी पार्टी के, 29 सीटें आरएलडी को दी हैं, 28 सीट जो है इन्होंने समाजवादी पार्टी ने रखी और एक एनसीपी को दी हुई है। तो अगर ये सोच रहे हैं कि इस प्रकार से कुछ कर ये अपने मन में खुश हो रहे हैं कि हम इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे और जो वोटर है तो वो नहीं मिलेगी आपके मुताबिक सफलता, लेकिन कुछ और आंकड़े बता देते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।